हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ गुड़गांव। आज हम डिस्कस करेंगे थिन एंडोमेट्रियम। इसके क्या कारण है, इसको ये क्यों होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया है, खेती के लिए अच्छा बीज और अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के लिए एक अच्छा बीज यानी कि एम्ब्रियो और एक अच्छी ज़मीन यानी कि यूट्रस की लाइनिंग की ज़रूरत होती है। जब पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारी लाइनिंग कम आ रही है या हमारी लाइनिंग बढ़ती नहीं है, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि पीरियड्स के बाद जैसे जैसे दिन जाते हैं, आपकी लाइनिंग की थिकनेस जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आपने पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे अपना अल्ट्रासाउंड TVS कराया है और आपकी लाइनिंग 3 या 4 है, तो इसको थिन नहीं कहेंगे, ये एकदम सही लाइनिंग होती है। क्योंकि पीरियड्स के बाद जब पीरियड्स होते हैं तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो ट्राइलेमिनर यानी कि 3 परतें होती हैं, जिसमें से सबसे नीचे वाली जो यूट्रस से चिपकी रहती है उसको बेसल लेयर कहते हैं। उस बेसल लेयर के ऊपर जो 2 लेयर होती हैं वो पीरियड्स के दौरान बाहर निकल जाती है, जिससे कि आपकी जो बेसल लेयर है वो थिन नज़र आती है। अगर पीरियड्स में आपकी लाइनिंग थिक है तो इसका मतलब वो गलत है, और थिन है तो इसका मतलब सही है। अब क्या होता है, पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे पर आपका एक डोमिनेंट फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है जो कि ओवरी में बनता है। अब ये फॉलिकल क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो आपकी यूट्रस की लाइनिंग पर इफ़ेक्ट करती है, जिससे कि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वो उसका पॉलीफ्रेशन शुरू होता है, उसकी थिकनेस इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे डोमिनेंट फॉलिकल बड़ा होता है थिकनेस भी इंक्रीज होती जाती है। जब हम 9th डे पे या 10th डे पे या 12th डे पे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, TVS कराते हैं, जब आप 9th डे पे या 12th डे पे TVS फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो पता चलता है कि आपका डोमिनेंट फॉलिकल 70 to 18 mm का हो गया है और लाइनिंग भी आपकी उस समय मोर देन 8 mm आनी चाहिए, यानी कि 8 से 12 mm तक होनी चाहिए। इसको हम गुड एंडोमेट्रियल लाइनिंग मानते हैं, जो कि कंसेप्शन में बड़ा हेल्प करती है, आपकी प्रेगनेंसी को पॉजिटिव करती है। परंतु इस समय अब अगर आपकी लाइनिंग थिन आती है, यानी कि 6 से कम आ रही है या 7 से कम आ रही है, तो हम इसको थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और ये कारण जानना चाहते हैं कि ये क्यों थिन आ रही है। इसके काफ़ी कारण होते हैं, या तो आपके यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी है फाइब्रॉइड की वजह से, पॉलिप की वजह से, या यूट्रस में ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, या इससे पहले आपको कोई DNC या कोई सर्जरी हुई है यूट्रस में जिससे कि आपके यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है वो चिपक गई है, या जाले पड़ गए हैं, एडिजन्स हो गए हैं, इसको हम अशरमान सिंड्रोम भी बोलते हैं, या आपको पहले कोई बच्चेदानी की TB हुई है या इंटेस्टाइन की TB हुई है, उसकी वजह से भी थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, या फिर आपका कोई PID, क्लेमाइडिया, ये सब इन्फेक्शन अगर बच्चेदानी में होते हैं तो भी आपकी थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग आती है। अब हमें पता चल गया है कि TVS के द्वारा ये आपकी लाइनिंग थिन है। इसके और भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सबसे बेस्ट जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है कि थिन एंडोमेट्रियम है। आप 3D, 4D करा सकते हैं, कई बार हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं जब आपकी थिन एंडोमेट्रियम आती है कि कहीं एडिजन्स तो नहीं है, या आपकी लाइनिंग जो है वो पेलर तो नहीं है, यूट्रस कैविटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी आपकी लेप्रोस्कोपी भी की जाती है। अब हमें पता चल गया है कि हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिन है, हमें कारण भी पता चल गया है, तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही है कि अगर थिन है और आपका एग अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम सबसे पहले आपको बाहर से हार्मोन्स देते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन्स देते हैं, जो ओरली भी दिए जाते हैं। ओरली जो एस्ट्रोजन्स दिए जाते हैं, कई बार उनका इफ़ेक्ट भी अच्छा नहीं आता है, क्योंकि वो स्टोमक में या इंटेस्टाइन में मेटाबॉलिज्म हो जाता है उनका, तो आपको प्रॉपर डोज आपके यूट्रस की लाइनिंग को नहीं मिल पाती है। तो हम डर्मल पैच आते हैं एस्ट्रोजन्स के, वो दे सकते हैं, और वेजाइनली भी दे सकते हैं, क्योंकि वेजाइनली सीधा यूट्रस में जाके आपकी लाइनिंग को इम्प्रूव कर देती है। इसके अलावा कुछ एडजुटेंट थेरेपी होती हैं, जैसे कि हम विटामिन ई 400 mg BD देते हैं, इकोस्प्रिन देते हैं, जो कि आपके यूट्रस की ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देता है,
ताकि जो हम मेडिसिन एस्ट्रोजेंस दे रहे हैं वो सही मात्रा में पहुंच जाती है यूट्रस की लाइनिंग में। इसके अलावा आर्जिनिन आता है, आर्जिनिन दे सकते हैं 6 मिलीग्राम। न्यू कई टेक्निक आई है, जैसे कि हम GCSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर वो भी देते हैं, उसको हम डर्मली सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं और इंट्रावेजाइनल भी दे सकते हैं। PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी लाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अभी स्टेम सेल्स पे रिसर्च चल रही है, कह रहे हैं कि उसका भी अच्छा इफेक्ट है कि आपकी लाइनिंग को इम्प्रूव कर सके। तो ये सब चीज़ें जो मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं ये आपकी लाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो दूसरे सेंटर से मेरे पास केवल लाइनिंग बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारी थिन लाइनिंग है, इससे हमारा कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं उनका यही देखती हूँ कि उनकी लाइनिंग थिन क्यों आ रही है, उसके कारण को हम दूर करके और अपने हिसाब से उसकी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से कि हमें उसको नेचुरल तरीके से बनाना है या उसको हार्मोन थेरेपी देना है या कुछ न्यू एडवांस रिसर्च जो हुई है उनके हिसाब से उनकी लाइनिंग बनानी है, हम लाइनिंग बना के उनको भेजते हैं। तो आपका इस एंडोमेट्रियल थिन लाइनिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।